हो कहते हुए लाल सफेद कपड़ों में बड़ी सी सफेद दाढ़ी और बालों वाले कंधे पर गिफ्ट से भरा बड़ा सा बैग लटकाए और हाथों में क्रिसमस बेल लिए सेंटा को तो आप जरूर जानते होंगे। क्रिसमस पर आप इनसे मिले भी होंगे या फिर टीवी और अखबारों में इन्हें देखा होगा। बच्चों के प्यारे सेंटा, जिन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, हर क्रिसमस पर बच्चों को चॉकलेट्स गिफ्ट्स देकर बच्चों की मुस्कुराहट का कारण बन जाते हैं। तभी तो हर क्रिसमस पर बच्चे अपने सेंटा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माना जाता है कि सेंटा का घर उत्तरी ध्रुव में है और वे उड़ने वाले रेंडियर्स की गाड़ी पर चलते हैं। सेंटा का ये आधुनिक रूप 19वीं सदी में अस्तित्व में आया, इससे पहले वो ऐसे नहीं थे। आज से 1500 साल पहले जन्मे सेंट निकोलस को असली सेंटा माना जाता है। हालांकि सेंट निकोलस और जीजस के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा है, फिर भी आज के समय में सेंटा क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा है। उनके बिना क्रिसमस अधूरा लगता है। सेंट निकोलस का जन्म 3री सदी में जीजस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। वे एक रईस परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। बचपन से ही उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देते रहते थे। सेंट निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसी कारण बच्चों को जल्दी ही सुला दिया जाता था। आज भी कई जगह ऐसा ही होता है। अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो उनके सेंटा उन्हें उपहार देने नहीं आते। सेंट निकोलस की दरियादिली की एक बहुत ही मशहूर कहानी है। उन्होंने एक गरीब की मदद की थी, जिसके पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे और मजबूरन वो उन्हें मजदूरी और देह व्यापार के दलदल में भेज रहा था। तब निकोलस ने चुपके से उनकी 3 बेटियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्कों की थैलियां रख दी थी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्ति दिलाई। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ अपने मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें उनके लिए गिफ्ट रखे होंगे। इसी प्रकार फ्रांस में चिमनी पर जूते लटकाने की प्रथा है। हॉलैंड में बच्चे सेंटा के रेंडियर्स के लिए अपने जूते में गाजर भरकर रखते हैं। सेंटा का आज जो नाम प्रचलित है वो निकोलस के डच नाम सिंटरक्लास से आया है, जो बाद में सेंटा क्लॉस बन गया। जीजस और मदर मैरी के बाद सेंट निकोलस को ही इतना सम्मान मिला है। सन 1200 में फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इस दिन सेंट निकोलस की मृत्यु हुई थी। अमेरिका में 1773 में पहली बार सेंटा क्लॉस के रूप में मीडिया से रूबरू हुए। आज के आधुनिक युग के सेंटा का अस्तित्व 1930 में आया। हेडन सेंट ब्लोम नामक एक कलाकार कोका कोला के ऐड में सेंटा के रूप में 35 वर्षों तक दिखाई दिया। सेंटा का ये नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और आखिरकार सेंटा के इस नए रूप को स्वीकार किया गया, जो आज तक लोगों के बीच काफी मशहूर है। इस प्रकार धीरे धीरे क्रिसमस और सेंटा का साथ गहराता चला गया और सेंटा पूरे विश्व में मशहूर होने के साथ साथ बच्चों के चहेते भी बन गए। आज भी ऐसा कहा जाता है कि सेंटा अपनी वाइफ और बहुत सारे बोनों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं। वहां पर एक खिलौने की फैक्ट्री है जहां सारे खिलौने बनाए जाते हैं। सेंटा के ये बोने साल भर क्रिसमस के खिलौने बनाने के लिए काम करते हैं। आज विश्व भर में सेंटा के कई पते हैं जहाँ बच्चे अपने खत भेजते हैं, लेकिन इनके फिनलैंड वाले पते पर सबसे ज्यादा खत भेजे जाते हैं। इस पते पर भेजे प्रत्येक खत का लोगों को जवाब भी मिलता है। आप भी अपने खत सेंटा को इस पते पर भेज सकते हैं। सेंटा का पता है सेंटा क्लॉस विलेज FIN 96930 आर्कटिक सर्कल फिनलैंड। कई स्थानों पर सेंटा के पोस्टल वॉलंटियर रहते हैं जो सेंटा के नाम आए इन खतों का जवाब देते हैं। देश विदेश के कई बच्चे सेंटा को खत की जगह ईमेल भी भेजते हैं, जिनका जवाब उन्हें मिलता है और क्रिसमस के दिन उनकी विश भी पूरी की जाती है। दोस्तों, सेंटा क्लॉस से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैरी क्रिसमस। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप
भविष्य में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।